शिवसेना नेता संजय राउत और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत में जुबानी जंग जारी है। मुंबई को लेकर दिए कंगना रनौत के बयान पर संजय राउत ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि मुंबई मराठी मानुष के बाप की है। संजय राउत ने इसके साथ ही एक धमकी भी दी है। उन्होंने कहा है कि शिवसेना महाराष्ट्र के ऐसे दुश्मनों को खत्म किए बिना नहीं रुकेगी। दरअसल कंगना रनौत ने शुक्रवार को कहा कि वो 9 सितंबर को मुंबई पहुंच रही है, किसी में हिम्मत है तो रोक ले। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स का एंगल सामने आने के बाद एनसीबी की टीम ने शुक्रवार सुबह रिया चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा के घर पर एक साथ छापा मारा। ड्रग्स मामले में अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि रिया चक्रवर्ती के साथ सुशांत की जिंदगी में परेशानियां भी आई। हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के आईपीएस प्रोबेशनरों दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवा आईपीएस अधिकारियों से बातचीत की। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि तनावपूर्ण जीवन जीने वालों से हमेशा आग्रह करते हैं कि योग प्रणाम करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में आतंकवाद को लेकर जोरदार हमला बोला है। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि भारत स्पष्ट रूप से सभी रूपों में आतंकवाद और इसके समर्थकों की निंदा करता है। इस दौरान उन्होंने चीन को इशारों में कड़ा संदेश दिया। राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि क्षेत्रीय स्थिरता शांति के लिए आक्रामक तेवर को खत्म करना जरूरी है। कोरोना वायरस महामारी के बीच चुनाव की अब पूरी तैयारी है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा की। चुनाव आयोग ने देश भर में एक साथ बिहार विधानसभा चुनाव और 65 सीटों पर उपचुनाव कराए जाने का फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि 29 नवंबर से पहले बिहार में विधानसभा चुनाव करा लिया जाएगा। हालांकि अभी बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए जन अधिकार पार्टी प्रमुख पप्पू यादव हर संभव कोशिश में जुटे हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है और महागठबंधन में अगर वो लीड करे तो बिना शर्त समर्थन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस को दलित नेतृत्व देना होगा। पप्पू यादव ने दावा किया कि सत्ता में आने के बाद 3 साल के अंदर बिहार को देश नहीं बल्कि एशिया में नंबर 1 बनाने का काम नहीं तो इस्तीफा दे देंगे। गैंगरेप के आरोपी अखिलेश सरकार में खनन मंत्री गायत्री प्रजापति को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दे दी। उनको ये अग्रिम जमानत 2 महीने के लिए दी गई है। जमानत के पीछे गायत्री ने तर्क दिया कि उन्हें कोरोना वायरस का खतरा है, इसलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए ताकि वो बाहर इलाज करा सके। हेट स्पीच को लेकर विवादों में घिरी फेसबुक ने बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह के अकाउंट को बैन कर दिया है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी खबर के मुताबिक नफरत और हिंसा को बढ़ावा देने वाली सामग्री को लेकर फेसबुक की नीति का उल्लंघन करने पर तेलंगाना से बीजेपी विधायक को बैन किया गया है। बैन के बाद तुरंत बीजेपी विधायक राजा सिंह ने डिमांड की कि दूसरे नेताओं के भी फेसबुक अकाउंट बैन हो जो भड़काऊ भाषण देते हैं। आईपीएल शुरू होने में कुछ ही समय रह गया है और इस समय चेन्नई सुपर किंग्स की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। एक एक करके टीम के स्टार खिलाड़ी आईपीएल के मौजूदा सीजन नहीं खेलने का फैसला करते जा रहे हैं। सुरेश रैना के बाद चेन्नई सुपर किंग के दिग्गज गेंदबाज हरभजन सिंह भी आईपीएल के 13वें सीजन से बाहर हो गए हैं। हरभजन सिंह ने निजी कारणों का हवाला देते हुए खुद को इस सीजन से अलग कर लिया। कारोबार के आखिरी दिन बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 634 अंक नीचे 38,357 पर और निफ्टी 170 अंक गिरावट के साथ 11,357 पर बंद हुआ। इससे पहले सेंसेक्स 666 अंक नीचे 38,325 पर और निफ्टी 173 अंक नीचे 11,354 पर खुला था।